ऐसा लगता है कि बेन भूखा है। हमारे पास यहाँ क्या है? अरे तो मुझे इसकी जरूरत है और यह बाय लूजर। बेन, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए बेहतर होगा तुम जल्दी करो। माफ करना बेन, लेकिन मुझे तत्काल दूध की जरूरत है और यह भी सब्जियाँ। बोर मत हो ना। ओह, मैं इसे ले लूँगा। सॉरी दोस्त, लेकिन मैं अपनी झींगा मछली की तलाश में हूँ। यह रहा मेरे प्यारे झींगा। क्या सच में उन्होंने फ्रिज से सारा खाना ले लिया? खैर ये बहुत ज्यादा हो गया। यदि तुम्हें खाना बहुत पसंद है तो देखे तुम्हें मेरी नई चुनौती कैसी लगती है। नमस्ते दादी, सभी को हेलो। पता नहीं बेन ने पहले राउंड के लिए कौन सी डिश पसंद की है। ओह वाह, तरबूज। लेकिन तरबूज पकाना दिलचस्प कैसे हो सकता है? हमें इसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है, है ना? तो एमा, तुम्हारे पास क्या आइडियाज हैं? निश्चित रूप से तुम कुछ अलग लेकर आ सकती हो। अरे सावधान रहो। उफ, ऐसा लगता है कि अब एमा के पास तरबूज पकाने के बहुत कम विकल्प हैं। लेकिन तुम अभी कुछ आइडियाज लेकर आ सकती हो, है ना? ठीक है। ओह खूब उपकरण, लेकिन वे तरबूज के साथ कैसे मददगार होंगे? नहीं, यह निश्चित रूप से मदद नहीं करेगा। और वाह भी, उफ, कुछ मदद नहीं कर रहा। नहीं, अब बस केवल यही बचा है। चलो इससे कुछ करती हूँ। मैं इसे समेटती हूँ। हाँ यह ठीक रहेगा। छी, मैं पूछने से डर रही हूँ, पर तुम्हें किस लिए चाहिए? इस तरबूज से पहले इतनी धूल लग गई है और निश्चित रूप से अब खाने के लिए सही नहीं है। नहीं एमा, तुम इसे फेंकने जा रही हो ना? अरे नहीं, वो बेन को ऐसी डिश परोसना चाहती है। कितना भयानक है। हाँ दादी निराश है। यह एमा को दिखाने का समय कि तरबूज को सुंदरता के साथ कैसे सर्व किया जा सकता है। चलो चलते हैं। बढ़िया, ये तरबूज खोलने और देखने का समय है। वाह, तरबूज को पूरी तरह से साफ किया गया है। बढ़िया काम दादी। अब हम इसे खूबसूरती से काटने के लिए एक विशेष चाकू लेते हैं। वाह, इन सही टुकड़ों को एक प्लेट पर रखना बाकी है। यह हुई ना बात। ऐसा लगता है कि एक एक्स्ट्रा टुकड़ा बचा हुआ है। इसे खा क्यों नहीं लेते? अरे हाँ, ये तरबूज बहुत रसदार दिख रहा है। ठीक है, यह हमारे शेफ बेटी की बारी है। ध्यान से देखो, क्योंकि एक असली मास्टर काम कर रहा है। वाह क्या असामान्य आकार है। यह कला का एक वास्तविक काम है। अब बेटी किनारे से थोड़ा और काटती है। अब इस तरह से। अभी भी कुछ गायब है। और अगर आप इस तरह कोशिश करते हैं, हाँ, ओह हाँ, जरा इस चमत्कार को देखो। यह तरबूज नहीं है, यह पूर्णता है। शाबाश बेटी, तीनों डिश तैयार है, जिसका अर्थ है कि यह चुनाव करने का समय है। खैर बेन, यह तुम्हें तय करना है कि चुनौती कौन जीतता है। वाह सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। शुरुआत करते हैं इस डिश से। क्या रसदार टुकड़ा है। छिलके के बिना तरबूज सुपर। निश्चित रूप से यह पसंद आने वाली चीज है। तो यह क्या है? क्या यह कोई मजाक है? तरबूज के छिलके पर गंदगी लगी हुई है। छी, कितना घिनौना। वाह, लेकिन यह बहुत दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करें। क्या बेन को बेटी की डिश पसंद आएगी? ऐसा लगता है कि एक टुकड़ा उसके लिए काफी नहीं था। यह पहले से ही एक अच्छा संकेत है। ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता दादी की डिश और बेटी की डिश के बीच है। हाँ हमारा शेफ जीत रहा है। बेटी को बधाई, एक योग्य और सबसे महत्वपूर्ण मेहनती जीत। इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है मास्टर। एक नई चुनौती और यह क्या एक सरप्राइज है। वाह, और इसे कैसे पकाया जा सकता है? यह कोशिश के लायक है। इससे आसान क्या हो सकता है? तो मुझे इसकी आवश्यकता है, यह भी और यह। हाँ बढ़िया। और मैं इसे कैसे पकाऊं? बेशक इस तरह या शायद इस तरह से कोशिश कर सकते हैं। अरे नहीं, ओह ऐसा लग रहा है कि दादी का अंडा शेल से बाहर आ गया है। और अब क्या करना चाहिए? बिल्कुल, और ये एक आइडिया है। हम बचे हुए अंडे निकालते हैं, शेल छोड़ देते हैं। ये अभी भी हमारे लिए उपयोगी होगा। अब थोड़ा जिलेटिन और पानी डाले। हम वहाँ कीवी का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे मिलाते हैं। फिर हमें यही काम करना होगा, लेकिन अलग अलग रंगों के साथ। वाह बहुत सारे अलग और सुंदर रंग है। अब हम तैयार लिक्विड को सिरिंज में डालते हैं, इस तरह से। बढ़िया, और अब वो शेल काम आएगा। हम इसमें विभिन्न रंगों के लिक्विड डालते हैं। सुपर, लेकिन बेटी इससे प्रभावित नहीं लगती। हाँ अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सरप्राइज के साथ एक असली अंडा क्या होता है। सबसे पहले सफेद चॉकलेट को इस तरह पिघलाएं। ये एक आदर्श चॉकलेट क्रीम निकला। हम इसे तीन अलग अलग कंटेनरों में डालते हैं। अब हम थोड़ा रंग जोड़ देंगे पूरी तरह से।
मिक्स करना है 1, 2, 3। अब हमें अंडे के लिए एक विशेष सांचे की आवश्यकता है। हम वहाँ अपनी चमत्कारी क्रीम डालेंगे। बेलिसिमो, इसे थोड़ा हिलाएंगे और अब इसे ठंडा करना बाकी है। हाँ बस अब खोलते हैं। अरे हाँ, हमें यही चाहिए था। हम व्हिप्ड क्रीम डालते हैं और अपने शेल के अंदर भरते हैं। इसे बंद करते हैं और यह तैयार। दुनिया का सबसे अच्छा सरप्राइज एक तैयार है। हाँ, मेरा भी। इस शेल को छीलने और मेरे परिणाम को देखने का समय है। हाँ, मुझे लगता है कि बेन को मेरी डिजर्ट अधिक पसंद आएगी। बस इस सुंदरता को देखो, बहुत प्यारा। हाँ एमा, तुम क्या कर रही हो? लगता है कुछ भी नहीं। हाँ एमा, तुम्हें ये सही में सोचना होगा कि तुम बेन को क्या दिखाने जा रही हो। बहुत कम समय बचा है। वाह, ऐसा लगता है कि सरप्राइज है जो अंडे में होगा या गुब्बारे में। क्या कोई समझ पा रहा है कि वह क्या कर रही है? अरे ये क्या है, न्यूटेला? एमा इस गुब्बारे को न्यूटेला से क्यों ढक रही है? इतने सारे सवाल, केवल एक चीज निश्चित रूप से स्पष्ट है। न्यूटेला के साथ एक गुब्बारा भी स्वादिष्ट लग रहा है। फिर भी यह जानना दिलचस्प है कि इसका क्या मतलब है। अब फाइनल टच एक मीठा स्प्रिंकल्स है, लेकिन यह अभी भी खाने लायक नहीं है। समय समाप्त हो गया है। बेन के लिए चुनाव करने का समय है। इंकी बिंकी, मैं इसके साथ शुरू करूँगा। वाह, इतने सारे रंग। क्या वह जेली है? मुझे जेली इतनी पसंद नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर यह बुरा नहीं है। तो हमारे पास यहाँ और क्या है? हाँ वाह, कितनी व्हिप क्रीम, मुझे यह पसंद है। और चॉकलेट, यह बस मुंह में जाकर घुल जा रहा है। वाह सुपर। हाँ कितनी बड़ी डिजर्ट। वाह वाह एमा, क्या यह वास्तव में एक शरारत थी? खैर, कम से कम सरप्राइज असली निकला। हालांकि कुछ मुझे बताता है कि यह जीतने के लिए काफी नहीं होगा। कौन जीतेगा, बेन? बेशक यह बेटी की डिश है। हुर्रे, एक आत्मविश्वास से भरी जीत। शाबाश। तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? और यह है डोनट। बढ़िया, मुझे उम्मीद है हमारे प्रतिभागियों को डोनट पकाने का पर्याप्त अनुभव है और वे अपने पाक कौशल से हमें प्रभावित कर पाएंगे। खैर, बेटी आत्मविश्वास से डो तैयार करना शुरू कर देती है। बेशक उसके जैसे पेशेवर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब वो इसे मिला रही है। हाँ, क्या मस्त हाथ की सफाई है। डो लगभग तैयार है, बस थोड़ा काम बचा हुआ है। उसने डो के एक बड़े टुकड़े को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। रुको, बेटी ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो बहुत सारे डोनट्स पकाने जा रही है? हाँ, अब वो थोड़े डो में रंग मिला देती है। वाह, ये कितना सुंदर है। हम आटे के एक टुकड़ा को थोड़ा और गूथ रहे हैं। अब हमें यही चाहिए और बेशक इसे बेलना है। हम इसे रोलिंग पिन के साथ अच्छी तरह से रोल करते हैं, इस तरह से। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। हम विभिन्न रंगों में रंगीन आने टुकड़ों को भी रोल करते हैं। टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। अब हम इसे आटा के एक बड़े इंद्रधनुष टुकड़े में बदल देते हैं। बहुत बढ़िया, फिर हम इसे इस तरह से मोड़ते हैं। बेटी क्या सुंदरता है। हाँ। ओ, क्या ताजा सेब है, मुझे इसकी जरूरत होगी। ए, दादी सेब क्यों काट रही है? ऐसा लगता है कि यह रसोई में एक चोर है। एमा, बेहतर होगा तुम अपने डिश में व्यस्त रहो। सावधान दादी, एमा अब तुम्हारी सभी सामग्री खाने जा रही है। ऐसा लगता है कि हमारे चोर का पता लग गया है। तो हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? दादी, हमें इसके बारे में सोचना होगा। हाँ, एक अच्छे पुराने शरारत की तुलना में एक शरारती को सबक सिखाने का कोई बेहतर तरीका है। तो पकड़ो एमा, अब एक सेब की मिठास के बजाय एक ताजा प्याज की करवाहट तुम्हारा इंतजार कर रही है। छी, यह घिनौना है। शायद यह शरारत एमा को उसके होश में लाएगी। अरे उठो एमा, तुम्हारे लिए अपना डोनट बनाना शुरू करने का समय है। तुम क्या कर रही हो एमा? डोनट को आवश्यक आकार देने का एक दिलचस्प तरीका। मुख्य बात यह काम किया है। व्हिप क्रीम डाला, बुरा नहीं है। एक्स्ट्रा स्वाद के लिए ऊपर से थोड़ी कैंडी। हाँ, दुर्भाग्य से केवल थोड़ी सी। खैर यह ठीक है और यह काम करेगा। अब एमा सुरक्षित रूप से अपने फोन पर वापस जा सकती है। और दादी की डिश कैसी है? वाह, दादी एक स्टिक पर सेब का एक टुकड़ा रख रही है। सेब को बैटर में डुबोती है, इस तरह से।
और अब इसे खौलते तेल में डाल दिया। बस कुछ मिनट और वाह, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चॉकलेट सिरप के साथ इसे सुंदर से सजाया गया है। बहुत बढ़िया। वाह, हमारे शेफ के पास लगभग सब कुछ तैयार है। क्या बड़ा और सुंदर डोनट है। बेटी इसे आधे में काटती है। ऐसा लगता है कि वह फिलिंग डालने जा रही है। ओह, इतनी क्रीम। थोड़ा स्प्रिंकल भी सही रहेगा। एकदम सही। अब इसे ऊपर से कवर करते हैं और यह तैयार है। अरे वाह। अरे एमा, एमा, वास्तव में अब हम शुरू कर रहे हैं। तीसरे टेस्ट में कौन जीतेगा? ऐसा लगता है कि बेन बेटी के डोनट के साथ शुरुआत करना चाहता है। वाह, वह इतना बड़ा है। उसमें इतनी क्रीम है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है और इसमें बहुत अधिक क्रीम है। ओह, और यह डोनट बहुत स्वादिष्ट था। ठीक है, एमा का डोनट अगला है। मुझे कहना होगा वह अच्छा लग रहा है। हम इसका स्वाद लेते हैं। यह भी बुरा नहीं है, लेकिन क्या जीतने के लिए काफी है? और अंत में दादी का डोनट। अच्छा बेन, तुम क्या कहते हो? हाँ, वह निश्चित रूप से इसे पसंद आया और हमने विजेता पर फैसला किया है। दादी को बधाई, ये एक अच्छी जीत है। हुर्रे! हाँ, मैं जीत गई। वाह, धन्यवाद मेरे बेटे। कमेंट्स में अपनी फेवरेट डिश का नाम लिखो और शायद अगली बार हमारे हीरो जिसे हमारी अगली कलिनिनी चैलेंज में पकाएंगे। जल्द ही मिलते हैं मल्टीडू चैलेंज पर।